हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय कैरियर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जिसे हम बोल रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बेसिकली हमने पहले बात कर रखी है इस चैप्टर में, हमें अच्छे से डिटेल से बात करनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, जो अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स नाम का चैप्टर है। बेसिकली ये डील करता है किससे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, तो इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स कर रखे हैं, बहुत ही डिटेल से हमने बात कर रखी है, बहुत ही अच्छे लेवल पे हमने सभी टॉपिक्स को लिया है ना। और हमारा मेन मोटिव है चीज़ों को समझते रहना, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करना। जो भी मेरे पास अपने सिलेबस में गिवन चीज़ें होती है या फिर अपने सिलेबस से थोड़ी सी अच्छी बातें, थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव लेवल की बातें, ठीक है ना। अगर आप नए हो, ठीक है, तो बिल्कुल आप लेक्चर देख सकते हो, पहले के लेक्चर्स देख लें आप अच्छे से, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आप मुझसे फेमिलियर हो जाएँ और मेरी बातें तो आपको और भी अच्छे समझ में आएंगी, है ना। अभी तो समझ में आने ही वाली है, इससे पहले अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो ना, अगर बार बार आप सुन रहे हो तो उतना ही ज़्यादा आप, है ना, लिंक कर पाओगे मुझे। तो आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, है ना, नहीं तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। प्रॉपर आप लोग नोट्स बना लो, जो जो बातें बताई जा रही है, जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग अपनी भाषा में उसे लिख लो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हम करेंगे सभी चैप्टर्स को, जो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपने हाई स्कूल के लिए, है ना। बेसिकली हाई स्कूल में मुझे बहुत ही कम ही पढ़ा हो बहुत कम पढ़ना होता है ना केमिस्ट्री को लेकर, क्योंकि फिजिक्स भी हमारे पास है, बायोलॉजी भी है, है ना। तो अपन लोग केमिस्ट्री वाले पार्ट में बिल्कुल अपन डिटेल से करेंगे, फिजिक्स वाले पार्ट में भी जितने अपने चैनल पे वीडियोस आ रही है ना, सभी बिल्कुल अच्छे से डिटेल से एक स्टैंडर्ड लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, आज तक मैंने एक बात कभी बोली नहीं है, जो भी लोग वीडियोस देख रहे हो, है ना, हो सकता है कि कुछ लोग वीडियो प्रॉपर देख रहे हों, है ना, क्योंकि सब लोग देख जैसे होते नहीं हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारी बातें किसी को समझी ना है, ऐसा सर हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है चीज़ों को करने में। तो कुछ बच्चे हैं जो अपने प्रॉपर वीडियोस देख रहे होंगे। हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 भी किया था, है ना, और उस पूरे लेक्चर में अगर आपको याद हो तो अराउंड 12 लेक्चर आए थे, है ना, 12 नहीं, उसके बाद भी आएंगे, ठीक है, अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस के भी लेक्चर आएंगे। तो उन पूरे 12 लेक्चर में मैंने एक बात कभी बोली ही नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आप चैनल को लाइक करो, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस बच्चे को फील आती है, जिस बच्चे को बातें समझ में आती है, तो उसे कहने की ज़रूरत नहीं है, है ना। जहाँ तक ये बात लगती है कि आप लोग इतने समझदार खुद ही हो, अब स्टार्टिंग का एक मिनट सुन के वीडियो काट के दूसरे वीडियो पर चले जाना, है ना, अब एक मिनट से तो आपको चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। आप प्रॉपर शांति से बैठे आप, है ना, अगर आपके पास स्पीकर वगैरह है तो स्पीकर में आप लगा लें, या फिर आपके पास ईयरफोन वगैरह होगा आज के टाइम में, तो आप लोग एकदम शांति से बैठकर एक एक लेक्चर को डिटेल से समझे पढ़े, है ना। आपको यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है, है ना। बहुत लोग हैं जहाँ पर आपको चीज़ें प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं मिलती है, है ना, फिर वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाता है आपको, पेड प्रमोशन ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी क्या है, आने वाले टाइम में भी हमारे यहाँ आपको सब चीज़ें बिल्कुल फ्री तो भाई नहीं कह सकते, क्योंकि आपका नेट यूज़ होता ही है, लेकिन बहुत ही प्रॉपर वे में, बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। पूरा कंप्लीट चैप्टर हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल पर करने वाले हैं, है ना। अगर आप कुछ और चाहते हो कि आप सर ये करना चाहिए, या फिर इस टाइप के आप क्वेश्चंस करवाओ, या फिर आप कॉम्पिटिटिव वाले लेवल्स का कराओ, या फिर जैसा भी आप चाहो, तो आप ऐसा कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, है ना। जैसा भी आप डिमांड करोगे, सारी डिमांड आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। बस यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, है ना, अगर आपको लगता है कि सामने वाला मेहनत कर रहा है ना, चैनल पे मेहनत हो रही है, प्रॉपर वीडियोस आ रही हैं, तो आप लोग छोटी सी चीज़ कर सकते हो, है ना। हालांकि आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लाइक कर सकते हो, ठीक है। दरअसल लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको देख कर ही ना, है ना, उसको देख कर ही कॉन्फिडेंस आता है कि और वीडियोज़ अपन लोग बनाएँ, है ना। बेसिकली यहाँ पर और भी बातें कुछ हम लोग कहना चाहेंगे। दरअसल आपको लगता होगा ना कि ऐसा बहुत ही आसान होता है कि अपना आए खड़े होकर वीडियो बना दिए, है ना, लेकिन ऐसे खाली कमरे में कैमरे के सामने, है ना, आपको फील करना, आपके माइंड में चल रहे क्वेश्चंस को समझना, है ना, आपके साथ इस तरीके से इंटरेक्शन करना इतना आसान नहीं होता है। काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी साल लग जाते हैं चीज़ करने में, है ना। तो काफ़ी आसान नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुँह उठा के आएगा और वीडियो बना देगा और वीडियो उतनी अच्छी आपसे लिंक कर जाएगी, है ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, ठीक है। और यहाँ तक की बात यही है कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, ठीक वैसे ही एक यूट्यूबर का दर्द यूट्यूबर ही समझता है, ठीक है। तो आप लोग शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर बहुत चीज़ें मैंने बात की, है ना। अब यहाँ पर आप लोग सपोर्ट करने के लिए शेयर भी कर सकते हो, है ना, आप लाइक भी कर सकते हो। चलिए,
नेक्स्ट हम बात करें तो पिछली क्लास में, हालांकि अगर ऑफलाइन क्लासेस में तो ये सारी बातें नहीं की जाती है, लेकिन आपके लिए बातें करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि मुझे लगता था कि जब तक हम कहेंगे नहीं ना, जब तक हम कहा ना जाए तब तक लोग करते नहीं है ना। ऐसे शांत रहने से तो कुछ होने वाला नहीं है, अगर मैं ना बोलूँ तो आप नहीं करोगे, है ना। लेकिन शायद कुछ बच्चे हैं जो बोलने समझे तो वो लोग लाइक करें। कुछ लोग आते हैं, दो तीन टाइप के लोग होते हैं ना, थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। एक तो वैसे होते हैं जो आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता चैनल से कि क्या चैनल है, कभी देखा ही नहीं, टॉपिक सर्च किया, अगर मिला तो समझ लिया, लिख लिया, काम ख़त्म, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो कमेंट वगैरह पढ़ते हैं, एक आध कमेंट पढ़ते हैं और कमेंट लिख कर चले जाते हैं, है ना। अभी भी उनको चैनल से कोई मतलब नहीं होता है ना, उनको लाइक वगैरह करने से कुछ भी मतलब नहीं होता है, वो अपना देखा कमेंट, चीज़ें समझी, निकल गए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कमेंट करते हैं, थैंक यू वगैरह लिख के कमेंट करके छोड़ देते, चले जाते हैं, है ना। वो लोग वैसे होते हैं जिनको, है ना, चैनल की रिक्वायरमेंट नहीं है, नीड है ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है, जिनको डेली बेसिस पे अपना कंटेंट चाहिए, जो हम लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, तो वो वगैरह, है ना। अब कुछ बच्चे जो कि थोड़ा बहुत चीज़ों को समझते हैं, तो वो पहली बार में ही ना सामने वाले को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो मैं चाहता था वो ये बंदा दे रहा है ना। अब देखिए, भीड़ तो हर जगह है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी फील्ड खाली है। बहुत लोग बोलते हैं ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वो है ना, तो वो तो है ही है ना, हर एक टॉपिक की वीडियो आपको मिल जाएगी, आदमी मिल जाएगी, तो क्या लोग बनाना छोड़ दें, क्या लोग मेहनत करना छोड़ दें? लेकिन हर बंदा आपके लिए नहीं है ना, है ना। ऐसा नहीं है कि हर लोग की बात आपको समझ में आ जाए, क्यों? अभी आप हाई स्कूल के लेवल पे हो, आपको ये बात पता है कि अटेंडेंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, कोटा में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन डायरेक्ट उनकी बात समझ में आ जाएगी क्या आपको, है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा आसान नहीं है ना, इतना आसान नहीं है चीज़ें। तो सभी लोग आपके लिए नहीं बने हैं, तो पहले आप देख लोगे कि क्या ये मेरे लायक है, क्या क्या मैं जो चाहता हूँ इस बंदे से मिल रहा है, तो भाई बस वो आपके लिए है, तो आपको उसके लिए करना है और आपके लिए वो बंदा करेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं, चलिए, है ना। तो ये दरअसल उन बच्चों के लिए बातें थी जो एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में, है ना, जिनके लिए ये वीडियो जा रही है उनके लिए, है ना। तो फिलहाल आप लोग इनडायरेक्ट वे में समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, है ना, समझ गए ना, ठीक। तो अपन लोग एलएमपी की बात कर रहे थे यहाँ पे, चलिए। तो अगर हम बात करें पिछली क्लास में, तो हमने पढ़ा था कि सर जी मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर बातें थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लें। तो हमने देखा था कि सर दो तरीके की वैरायटी थी, दो वैरायटी थी, एक तो ओपन चेन कंपाउंड थे, ओपन चेन के कई सारे नाम, है ना, ओपन चेन, असाइक्लिक, है ना, एलिफैटिक कंपाउंड। दूसरी वैरायटी थी कि सर साइक्लिक कंपाउंड, रिंग कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, ठीक है। ओपन चेन में सर हमने बात करके छोड़ दी थी, आपने बात करके छोड़ दिया था कि ओपन चेन में, है ना, दो वैरायटी होगी, एक तो मेरे पास सैचुरेटेड एंड एक अपना अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमने बात की थी कि सर उसमें एल्केन आते हैं, और अनसैचुरेटेड में भी दो पार्ट, एल्कीन एंड एल्काइन। फिर इधर हम आते हैं, साइक्लिक वाले में हमने थोड़ी सी डिटेल से बात की थी कि सर जी साइक्लिक में एक तो होमोसाइक्लिक होता है ना, एंड दूसरा अपना हेट्रोसाइक्लिक होता है। होमोसाइक्लिक को ही अपन लोग कार्बोसाइक्लिक बोल रहे थे, आपको याद हो पिछली क्लास से हम लोग लिंक कर रहे हैं। और कार्बोसाइक्लिक के अंदर ही मेरे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है ना, फिर एक और पार्ट था एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो एक एक करके हम लोगों ने बात करी थी, समझी थी, एंड हमने एग्जाम्पल्स वगैरह देखे थे, है ना। तो आज सर किसकी बात करेंगे, आज हम बात कर लेते हैं इस ओपन चेन कंपाउंड की, जिसमें हमारे पास एल्केन है, एल्कीन है एंड एल्काइन है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनको हम समझेंगे, ठीक। अब सीबीएसई के पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सेपरेटरी अपने, है ना, सिलेबस में मेंशन नहीं है, आईसीएसई में ये अलग से मेंशन है, हेडिंग वाइज वगैरह हम लोग करते हैं, तो फिलहाल अपने सिलेबस में जितना है उतनी बात कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन आता है कि आप एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं, ये आप लिखो और दो प्रॉपर्टीज़ बताओ, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा किसी भी बुक में, तो हम उस चीज़ों को समझ लेते हैं। तो दरअसल यहाँ से हम एक बात और भी करने वाले हैं, तो हम अगर देखें ना, तो हमने एक बात करी थी, क्या बात की थी पिछली क्लास से, हम रोलिंग कर रहे हैं ओपन चेन या फिर असाइक्लिक, सर थोड़ा सा बड़ा लिखा करो, है ना, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं अभी, या फिर एलिफैटिक
कंपाउंड, ठीक है ना। इसमें हमने देखा था ना दो वैरायटी थी, एक तो सैचुरेटेड, हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, इसका नाम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेसिकली हम पहले भी हाइड्रोकार्बन वर्ड से वाकिफ़ हो चुके हैं कि है ना, कि जिन कंपाउंड्स में केवल कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, एंड हाइड्रोकार्बन से उनके डेरिवेटिव से मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये चीज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड अपने पास जो है ना नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। फिर सर क्या देखा था हमने, क्या सैचुरेटेड में तो एक बंदा आता है जिसको हम बोलते हैं एल्केन, है ना। इसमें सर दो बंदे आते हैं, एक को बोलते हैं हम एल्कीन एंड अपना नेक्स्ट है एल्काइन। क्यों ये चीज़, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, है ना, पहले आप इतना लिख लो। हाँ जी ठीक है, तो ये मेरे पास होगा एल्केन एल्कीन एंड अपना एल्काइन, ठीक। तो बात करते हैं हम डिटेल से यहाँ पर, आप ज़रा देखो। हम बात करते हैं ना एक जनरल फॉर्मूले की, है ना। अगर मैं एक जनरल फार्मूला लिख दूं, जनरल फार्मूला लिख दूं, ठीक है, इसी से हम समझेंगे, यहाँ भी जी एफ जनरल फार्मूला, यहाँ भी ना जनरल फार्मूला, है ना। सर आप उधर क्या देखते हो, उधर हम टाइम देख रहे होते हैं, है ना। अब देखो अगर मैं लिखूँ सी एन एच टू एन प्लस टू, है ना, सी एन एच टू एन, एन लिखाइए, सी एन एच टू एन माइनस टू, ठीक है। एन जो है ना अपना, एन मेरे पास नंबर ऑफ एटम है, एन इज़ द नंबर ऑफ एटम। अब देखिए, अब बेसिकली हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एन की वैल्यूज पुट करना। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हाइड्रोकार्बन होना ज़रूरी है ना। हाइड्रोकार्बन के लिए कार्बन एंड हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, इसका मतलब कि कार्बन के एटम्स जीरो हों ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो कभी बंदे चिल्ला सकते हैं कि सर एन इजिकल टू जीरो रख दो, तो यहाँ एन इजिकल टू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो होगा तो कार्बन ही जीरो हो गया, ये तो नहीं होगा ना। तो हम कहाँ से सर स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे अगर एन की वैल्यू वन होती है तो ज़िंदगी में तबाही आती है, तो वन हो जाएगा ना, वन को नहीं लिखते हैं, है ना। अब देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे हम एक बार करके देख लें, एन इजक्ल टू वन प्लस टू, मुझे पता ना टू एन के बीच में मल्टीप्लाई है, टू वन जै टू, टू प्लस टू कितना फोर हो जाएगा, तो सर यहाँ बन गया सी एच फोर। क्यों, एन इजक्ल टू वन रखा तो टू टू फोर हो गया, सी एच फोर बन गया। और चेंज करते हैं हम, एन इजक्ल टू टू रख दो सर, अगर हम टू रख देंगे आज तो दिखता है सी टू रख, सी टू हो जाएगा, टू टू जब फोर टू सिक्स, कितना होगा सिक्स हो गया, है ना। सर कब तक रखते जाएंगे, जब तक आपका मन हो, चार पांच हम देख लेते हैं। अगर थ्री रख दे तो क्या हो जाएगा सर, देखिए थ्री टू जै सिक्स और टू एट हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब कि सर मुझे ये बात समझ में आ रही है ना, आपके यहाँ दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, दिख रहा होगा है ना। आप इसका मतलब मुझे समझ में आया है कि यहाँ पे वन है तो यहाँ टू हो जा रहा है, यहाँ पे अगर फोर है तो सिक्स हो जा रहा है, मतलब यहाँ तो वन बढ़ रहा है एंड यहाँ पे टू बढ़ रहा है, टू था तो थ्री हो गया, सिक्स था तो एट हो गया। इसका मतलब सर यहाँ पे सी फोर है ना, तो एच टेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टू बढ़ रहा है आगे, है ना, डिफरेंस ये आ रहा है। अगर एन इजक्ल टू फाइव तो देख लेते हैं हम लोग ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए, है ना। इसका मतलब कि सर यहाँ पे फाइव होगा ना, तो यहाँ पे टू और बढ़ जाएगा तो ट्वेल्व हो जाएगा। क्यों, ये चीज़, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा कैमरे में, है ना, यहाँ तक दिख रहा होगा सी फाइव एच ट्वेल्व, है ना ये। अच्छा यहाँ पर एक बात हमने और देखी ना, कि इन सभी के बीच में ना सी एच टू का डिफरेंस है, कितने का सर डिफरेंस है, सी एच टू, ठीक है।
यहाँ भी आप देख लो, यहाँ भी सी एच टू का डिफरेंस है, इनके बीच में भी सी एच टू का डिफरेंस है, यहाँ पर भी सी एच टू का डिफरेंस है, इन सभी के बीच में क्या सेम डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो हाई स्कूल में अपन लोग पढ़ते भी हैं ए पी जी पी के नाम से, जहाँ पे अपन लोग कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे होते हैं। तो जब भी इस तरीके से कॉमन डिफरेंस मिलता है तो वहाँ पर एक सीरीज़ बन रही होती है ना। अब यहाँ यहाँ पर दिख रहा है डिफरेंस सर कैसे सेम है, वहाँ पता है टर्म पढ़ते हैं टी वन टी टू, टी टू माइनस टी वन, टी थ्री माइनस टी टू, सेम वैसे ही टू में से वन गया वन बचेगा, सिक्स में से फोर गया टू बचेगा, थ्री में से टू गया वन बचेगा, क्यों, एट में से सिक्स गया टू बचेगा, है ना। तो हर जगह मुझे सी एच टू का डिफरेंस मिल रहा है। अगर हाइड्रोकार्बन की एक ऐसी चेन जहाँ पर सी एच टू का डिफरेंस मिले, है ना, तो ये जो चेन फॉर्म हुई है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज़, क्या बोलते हैं हम, होमोलॉगस सीरीज़। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो यही डेफिनेशन जो मैंने बोली है, यही डेफिनेशन है ना। अच्छा, तो सर ये होमोलॉगस सीरीज़ है, सर ये होमोलॉगस सीरीज़ है। होमोलॉगस सीरीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि जो मेरे पास नेक्स्ट कंपाउंड आने वाला है, दो कॉन्सिक्यूटिव कंपाउंड के बीच में सेम डिफरेंस होगा सी एच टू का, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होगी, है ना। तो ये दो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में आपको लिखना होता है। अच्छा सर, इस पे आते हैं, होमोलॉगस का मतलब ये था, होमोलॉगस सीरीज, तो यहाँ से हमने एक बात और पढ़ी, क्या चीज़, होमोलॉगस सीरीज़। अब जैसे मुझे देता है ना, मुझे लिखा सी टू एस सिक्स, और क्वेश्चन बोला कि इसका नेक्स्ट होमोलॉग बताओ, क्या चीज़, नेक्स्ट होमोलॉग, मतलब कि अगर सी टू एस सिक्स दिया तो मुझे थर्ड वाले कार्बन के बारे में पूछ रहा है, तो पहले तो आप पता लगाओ ना, पहले तो आपको कंपाउंड देगा ना, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है ना। सर ये क्या बोले आप, है ना, तो दरअसल अगर ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं सर, है ना, ये मेरा एल्केन होता है, दिस इज़ नोन एज अवर एल्केन। तो एल्केन्स के लिए जनरल फार्मूला ये सेटिस्फाई करना चाहिए, सी एन एच टू एन प्लस टू। तो इस तरीके से मेरे पास सीरीज़ बनती है ना, जिसे हम बोल रहे हैं होमोलॉगस सीरीज़, और मुझे ऐसे ऐसे कंपाउंड मिलते हैं। ठीक, क्वेश्चन आएगा ना तो मुझे जैसे क्वेश्चन देगा सी टू एस सिक्स का नेक्स्ट होमोलॉग बताओ, तो पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि सी टू एस सिक्स एल्केन में आता है कि एल्कीन में आता है कि एल्काइन में आता है। कैसे पहचानेंगे सर जी, मुझे जनरल फार्मूला पता है ना, तो उसी से हम पहचान लेंगे। और नेक्स्ट होमोलॉग का मतलब क्या है सर, कि अगर सी थ्री वाला होगा तो आप बता दो, तो हम बता देंगे सी थ्री एच एट वाला, है ना। इस पे आते हैं, अगर आप देखो तो सी एन एच टू एन, फिर एक बात पता है ना आपको, कि जो एल्केन्स होते हैं ना, एल्केन्स सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अगर सी एच फोर का स्ट्रक्चर आपको याद हो तो कार्बन की वैलेंसी फोर होती है, तो सी के साथ फोर हाइड्रोजन लगे हुए थे सिंगल बॉन्ड के थ्रू, है ना। एल्केन्स को अपन लोग पैराफिन्स भी बोलते हैं, एंड बेसिकली ये लोग गैसेस होते हैं, जो स्टार्टिंग में जो होते हैं ना वो गैस होते हैं। जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ता है ना, वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो स्टार्टिंग वाले गैस हैं, जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे मुझे लिक्विड के फॉर्म में मिलेंगे, और आगे बढ़ेंगे हम लोग सी एट्टी के अबव तो मेरे पास सॉलिड के फॉर्म में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली स्टार्टिंग वाले सभी गैस हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, ये सब, ठीक, ये सारी बातें। तो हमने एक बात अभी भी समझी कि एल्केन में तो सर सिंगल बॉन्ड लगा होता है, तो सिंगल बॉन्ड लगा है तो एक कार्बन से काम चल जाएगा। सर कैसे, ये देखो आप, एक कार्बन से आप ऐसे सी एच फोर लिख दोगे तो एक कार्बन से काम बन गया ना सिंगल बॉन्ड लगा के। लेकिन एल्कीन में ना डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन के जो कंपाउंड्स हैं उनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है ना। तो डबल बॉन्ड का मतलब समझ में आ रहा है आपको, डबल बॉन्ड का मतलब, डबल बॉन्ड तो ये होता है, क्यों, एंड एक यहाँ कार्बन होगा, एक कार्बन यहाँ पे होगा, इसका मतलब कि डबल बॉन्ड के लिए कम से कम दो कार्बन होना चाहिए, क्योंकि एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तो नहीं बन पाएगा ना भाई साहब। एंड एक बात हमने और समझी सर, अभी मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, धीरे का मतलब क्या है ना, स्पीड मेरी है ना लाउड तो है ही है, स्पीड थोड़ी स्लो है। तो अगर आपको लग रहा हो कि आप सर बहुत धीमे पढ़ा रहे हो, तो आप स्पीड बढ़ा लेना यूट्यूब की, ठीक है, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है। तो अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो सर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर भी मुझे दो कार्बन की रिक्वायरमेंट है ना। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ एन की वैल्यू ना टू से स्टार्ट करूँगा, वन से नहीं सर, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड में तो सर दो कार्बन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में कम से कम तीन कार्बन होते हैं, इससे छोटा कंपाउंड बन ही नहीं सकता डबल बॉन्ड के साथ, ठीक,
सर ये कैसे मालूम चला एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है? ये आगे की बात है। ठीक, तो ये जो जनरल फॉर्मूला लिखा है ना, तो ये एल्कीन का लिखा है एंड ये जो लिखा है अपना ये एल्काइन का लिखा हुआ है ना। तो अब देखो, अगर मैं एन इजक्ल टू टू रख दूँ तो सर क्या बनेगा? टू 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 जा फोर, सी टू एच फोर बन जाएगा, सी टू एच फोर है ना, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। एन इजक्ल टू अगर मैं थ्री रखूँ तो क्या बन जाएगा? थ्री 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 टू जा सिक्स है ना। अगर मैं एन इजक्ल टू फोर रख दूँ तो क्या बन जाएगा सर? फोर एंड फोर टू जा एट। यहाँ पर भी सर समझ में आता है, टू है तो यहाँ पे वन का इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे टू का इंक्रीज़ हुआ है। अब की बार ये टू और फोर से स्टार्ट हुआ है, बस नई कहानी ये है। इसका मतलब कि जब मैं इसको फाइव रखूँगा तो क्या बनेगा? सी फाइव एच टेन, यहाँ पर क्या था? सी फाइव एच ट्वेल्व था। ठीक, यहाँ पर भी आप देख लो, इन दोनों के बीच में भी ना सी एच टू का डिफरेंस है। तो जब भी ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड की चेन जहाँ पर सी एच टू का डिफरेंस आता है, तो इस सीरीज़ को मैं क्या बोलता हूँ? होमोलॉगस सीरीज़। तो ये भी सर होमोलॉगस सीरीज़ है क्या? हाँ बिल्कुल, एल्कीन भी होमोलॉगस सीरीज़ है ना, ये वाला पार्ट। एंड एक नई बात मैंने क्या समझी कि एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन में क्या होता है सर? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना। अच्छा, एक बात अभी हम और समझेंगे। एंड हमने देखा कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है सर? सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, अभी हम एक बात और कर लेंगे। तो सिंगल बॉन्ड वालों क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अभी हमने लिखा था ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो बेसिकली अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, तो अभी हम देखेंगे ना कि ये सभी लोग सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं। कार्बन की वैलेंसी फोर है, हाइड्रोजन की वैलेंसी वन है। अगर सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो सर मैं क्या बोलता हूँ उसे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अभी इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो हम अभी आगे चल के पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अगर कभी कंपाउंड में ना मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। अभी हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं। अगर ये वीडियो कोई ट्वेल्थ का बच्चा देख रहा हो तो कहेगा ये क्या बातें कर रहे हो आप, है ना। लेकिन आपको, आप लोग के लिए बहुत ही स्लो हम बात कर रहे हैं, बहुत ही धीमे धीमे बात कर रहे हैं एंड थोड़ा सा अच्छे से। तो सर आपने ये बोला कि अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो मैं बोलता हूँ उसे सैचुरेटेड कंपाउंड या फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर मल्टीपल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इन दोनों को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं सर? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, या फिर हम बोलते हैं कि इस कंपाउंड में अनसैचुरेशन है। जब भी अनसैचुरेशन वर्ड यूज़ होगा ना, तो इसका मतलब कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है। जब भी सैचुरेटेड कंपाउंड यूज़ होगा तो सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है। अब आगे चल के हम पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, उनकी रिएक्शंस वगैरह अलग होती हैं, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ अलग है ना, बिल्कुल अलग दुनिया है। तो ये सारी बातें हम लोग डिटेल से आगे पढ़ते हैं 11, 12 वगैरह में, है ना। तभी भी हमने सर ये समझाना कि आप जो भी तीन लिखने वाले हो ना, तीन कॉलम्स, इन सभी में आप एक होमोलॉगस सीरीज ही लिखने वाले हो कंपाउंड्स की, एक ऐसी सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जहाँ पर सी एच टू का डिफरेंस हो एंड इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है। आप देखो सर यहाँ पे, इसका मतलब सर मुझे क्या जनरल फॉर्मूला याद करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, आपको जब तक ये नहीं याद होगा ना, तो आप पहचान, जैसे कि मैं यहाँ पर बहुत ढेर सारे कंपाउंड लिख दो, फिर आपसे पूछूँ कि इनमें एल्कीन कौन है, एल्कीन कौन है, एल्काइन कौन है, तो कैसे पता करोगे आप? आप इस एन की वैल्यू को देख कर ही पता करोगे एंड इस एन की वैल्यू को आप इस तीन फार्मूले में रखोगे, जिसमें सेट हो जाएगा वही वाला होगा। हाँ जी, नेक्स्ट बात करें तो सर अभी हमने ये समझाना कि एल्काइन में भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब कि आप सर यहाँ पे फिर से दो से स्टार्ट करोगे क्या? हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पे टू रखूँ तो देखो, टू 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 जा फोर, में से टू गया टू टू सी टू एच टू। एक सर फोटो दिखा दो, ये देखो आप, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच बन गया। इसका मतलब कि सर यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ सर? कार्बन देखो, वन टू, चलो इसको हम हटा दें, इससे कोई मतलब नहीं है। तो सर ये बना, अगर यहाँ टू रखा तो टू टू जा फोर, में से टू गया टू बचा, सी टू एच टू। अच्छा, अगर मैं सर थ्री रखता हूँ तो क्या बनेगा? तो सी थ्री आप रख लो, थ्री टू जा सिक्स, में से फोर गया फोर, थ्री टू जा सिक्स होगा ना सर, यहाँ पे सिक्स में से टू गया फोर। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है क्या? आप लोग मैथ पढ़ रहे हो ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थ्री टू जा सिक्स, में से टू गया फोर,
है ना, एन एच इक्वल टू अगर 4 रख दो तो सी फोर एच आपको दिख रहा है, यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 3 तो 4, 2 तो 4, 4 तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6। इसका मतलब सर जी ये हो गया, अगर एन इक्वल टू 5 रख दोगे ना आप तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, अगर यहीं पर एन इक्वल टू 6 रख देना तो यहाँ 6 हो जाएगा एंड यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ सर यहाँ पर भी हमारी आंखें चमक रही हैं और मुझे ये बात दिख रहा है कि जो यहाँ पर भी लिखे हैं इन सभी में CH2 का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस के लिए हम क्या लिख रहे हैं सर, CH2 का डिफरेंस है यहाँ पर भी इन चारों में। सर कैसे चेक करते हो आप, इसमें से इसको माइनस कर लो, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, कहीं भी चेक करो, या इसमें और इसमें भी होगा, 6 में से 2 गया नहीं, किस में होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव में, इसमें और इसमें होगा, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 8 गया 2, तो वो भी सर क्या लिखी हुई है, एक होमोलॉगस सीरीज, HS का मतलब होमोलॉगस सीरीज है ना। अब ऐसे आप लोग अपने कॉपी में HS मत लिख देना, क्योंकि HS हम लोग अपने समझने के लिए बनाए हैं, है ना। अब जैसे कि HS कोई इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वर्ड नहीं है, है ना, शॉर्टकट में लिखने के लिए हम HS लिख दिए हैं, होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, अब बेसिकली तीनों गैसेस ही होती हैं, है ना, जैसे हम एल्केन को मार्स गैस भी बोलते हैं, है ना, तो ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। एंड ये मेरे पास एसिटिलीन है, अभी हम बात करते हैं नेमिंग वगैरह की। तो सर अभी अभी हमने ये समझा कि मेरे पास जो ओपन चेन कंपाउंड थे तीन टाइप से थे, एल्केन्स थे, एल्केन को मैं बोलता हूँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन था, एल्काइन था, है ना, एल्कीन एल्काइन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड एक पार्ट हमने और यहाँ पे किया कि होमोलॉगस सीरीज़, ये तीनों होमोलॉगस सीरीज़ होती हैं, होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में मुझे इतना प्रॉपर्टीज़ क्या है कि CH2 का डिफरेंस है सभी में और सभी की लगभग फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, और डिटेल्स हम आगे बात करेंगे इस पर, है ना। अच्छा, अभी मैं कुछ अगर कंपाउंड लिख दूँ, है ना, और आपसे पूछूँ कि इनमें से कौन सा एल्केन होगा, कौन सा एल्कीन होगा, कौन सा एल्काइन होगा, ये आपको बताना है, ठीक है, तो बता दोगे आप, सही है। और अगर मैं यहाँ पे पूछूँ आपसे, ऐसा क्वेश्चन CBSE में आते हैं, CBSE में कि इनमें से है ना कौन सा एल्केन एल्कीन एल्काइन होगा, या फिर आप बता दो नेक्स्ट होमोलॉग बता दो, जैसे कि कोई कंपाउंड लिख दिया उसने, ये लिख दिया, इसका पूछा कि नेक्स्ट होमोलॉग बता दो, कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट होमोलॉग, मतलब C5 है तो आप C6 वाले के बारे में आइडिया दो, सही है। तो पहले आप इतनी कहानी लिख लो, है ना, तो यहाँ पर सर ट्रिपल बॉन्ड यूज़ हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, आंसर आप इसको साथ में मिला के ना अनसेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हो, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, है ना, ये वाली बात। ठीक, चलिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना, CBSE UP बोर्ड में भर भर के आता है ना, ICSE में नहीं आता है, CBSE UP बोर्ड में भर भर के आता है कि आपके पास कंपाउंड दिया होगा उसमें आप लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, वो कैसे बनाएंगे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, उसकी बात करते हैं। पहला पेपर लिखो, ठीक है, हाँ जी लिख लिया इतना, तो हम आगे बढ़े, तो बढ़ते हैं सर और कुछ एक्सरसाइज आपके लिए करते हैं हम लोग, आप थोड़ा सा बताना, ठीक है। तो उधर से आपको हाँ हूँ ना कुछ बोलते रहना है, अभी आपके पास ना अच्छा मौका है ना लॉकडाउन वाला, क्योंकि आप लोग घर पे ही हो तो आराम से खाते पीते वीडियोस देख सकते हो, है ना, लेकिन वीडियोस आप लोग लिमिटेड वे में देखें, है ना, क्योंकि आंखें वगैरह ख़राब होने का चांस रहता है, तो लगातार बैठ के ना देखें, है ना, एक लेक्चर देख ले, कुछ आराम कर ले, फिर देख ले, ठीक है, ये चीज़। अगर कुछ एक्सरसाइज हम करें तो आपको बता देना है ना इसमें कि आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन को सेपरेट करके लिखना है, क्या क्या सर बताना है, एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन, है ना, इसको चूज़ करके आपको लिखना है अलग अलग। मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, कौन सा फार्मूला लिख रहा हूँ सर, मॉलिकुलर फार्मूला बात की थी हम लोगों ने, जैसे एक लिखा हुआ है
है ना, तो ये अपना फोर्थ वाला। अच्छा हो सकता है कि कोई हो सकता है कि कोई हो भी ना, ये भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना ये चीज़। तो क्या लिखा हमने, C11H20, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग और बात करते हैं। है ना, एक और लिखते हैं हम लोग। है ना, और लिखते हैं हम, ठीक, जिससे कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आपका थोड़ा सा माइंड अच्छे से काम करे, आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ जाओ, ठीक, ये चीज़। तो थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए एक और लिखते हैं हम लोग। एक लास्ट और करते हैं हम लोग। ठीक है, इतना हो गया ना। तो अगर आप लोगों को ध्यान से दिया हो तो सभी चीज़ें मैं भी सोच कर ही लिखा हूँ, मैं भी क्वेश्चन बनाया हूँ अभी भी तुरंत, है ना। तो आपको उसमें बताना है, आपको इसमें से ना चूज़ करके आप बता दो कि एल्केन वाले कौन कौन से हैं। ठीक, एल्कीन वाले कौन कौन से हैं सर, एंड अपना एल्काइन वाले कौन कौन से हैं, ठीक है ना, ये चीज़ बता दोगे तो आप थोड़ा सा टाइम ले लें। सर कैसे बताएंगे, बताएंगे सर वैसे ही ना, एल्कीन के लिए मुझे फार्मूला CnH2n+2 सेटिस्फाई करना चाहिए, एल्कीन के लिए CnH2n सेटिस्फाई करना चाहिए, अल्काइन के लिए CnH2n-2, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। सर चेक कैसे करते हैं, जैसे मैं पहले वाले को चेक करता हूँ, एन के लिए 10 है, अगर मैं यहाँ एन 10 रखता हूँ, आप एक एक करके ना ऐसा लाइन से चेक कर लेना, 10 रखा तो 10 2 20, है ना, 20+2 कितना हो जाएगा 12, 22 22 हो जाएगा ना, 20+22। तो ये वाला देखिए फॉर्मूला सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब कि पहला वाला एल्केन है, ठीक है, ये चीज़। इसको अगर मैं चेक करूँ तो C3H6, 3 रखूँ, 3 3 2 6, फिर 8, तो यहाँ तो C3H8 आ रहा था, है ना, मतलब कि ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसको चेक करते हैं हम, 3 रखें यहाँ पे, 3 2 into 3 3 2 6, तो C3H6 ये सेटिस्फाई किया, मतलब कि दूसरा वाला क्या है, एल्कीन है, समझ गए। तो ऐसे n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर करके आप देख लो कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, एंड उस कॉलम में आप भर दो। तो ज़रा सा 2 मिनट का टाइम आप लोग ले लो, फिर हम बात करते हैं आंसर की, जैसा आप लोग कर लें, फिर आप लोग मैच करा लें, है ना, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, सर 1 वाला 2 वाला 3 वाला ये है, 4 वाला ये है 5 वाला ये है, ठीक है, फिर अपन लोग उसको दिल देकर, है ना, दिल देकर आपको आंसर दे देंगे, ठीक है। पहले अभी तक करो, क्या करना है सर, ऐसे भर देना है पूरा घर के, है ना, करो, फिर 2 मिनट में हम आते हैं। हाँ हो गया ना, चलिए मैच करा लेते हैं। सर सेकंड तक हो गया था, थर्ड देखता हूँ 11, अगर मैं 11 रखूँ तो 11 11 2 20 2 22 प्लस कितना हो जाएगा,
24 तो आ ही नहीं रहा। अगर यहाँ रखो 11, 11 टू जा 22, इसका मतलब कि सर थर्ड वाला भी ना एल्कीन है। फोर्थ देखो आप, सी फोर एच टेन, फोर रखो यहाँ पे, फोर टू जा 8 2 10, सी फोर एच टेन मतलब थर्ड वाला ना। ओ थर्ड वाला है क्या सर? और नंबरिंग गलत हो गई क्यों सर? इसको मैं 3 डैश बोल दूँ क्या? मैं मुझे पूरा नंबर चेंज करना पड़ेगा ना, तो ये 3 वाला है उसको मैं 3 डैश बोल दे रहा हूँ, है ना। इसका मतलब कि 3 डैश वाला क्या है? एल्केन है सर। कैसे? फोर रखो, फोर टू जा 10, फोर टू जा 8 प्लस 2 10, मतलब कि एल्केन वाले फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रही है ना। फोर्थ देखते हैं हम लोग, सी इलेवन, इलेवन रखो यहाँ, इलेवन इलेवन टू जा 22, है ना, 22 प्लस कितना हो जाएगा? 24। सेटिस्फाई नहीं किया, इसमें रखते हैं सर, इलेवन रखो, इलेवन इलेवन टू जा 22, सी इलेवन एस 22, अभी भी नहीं सेटिस्फाई किया। मतलब वो तो करेगा ही, ज़रूरी नहीं है, आपके केस में कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि करे, है ना। तो इलेवन में यहाँ रखूँ, इलेवन इलेवन टू जा 22, क्या दूना 22, है ना, इलेवन टू जा 22, 22 माइनस 2 20, ये मिल गया। मतलब कि सर फोर्थ वाला ना एल्काइन था, है ना। अभी मैं जानबूझ के ऐसे ऐसे कंपाउंड्स ही लिखा हूँ जो कि इन तीनों में फिल हो जाएंगे। फाइव देखो आप, सी ट्वेल्व, ट्वेल्व रखो यहाँ पे, है ना, ट्वेल्व ट्वेल्व टू जा 24, 24 प्लस 26, नहीं किया सर। यहाँ पे करेगा क्या? यहाँ देखो 2n है, 12 12 टू जा 24, अभी भी नहीं किया, मतलब सर ये अलग कर जाएगा शायद। 12 12 रखा, 12 टू जा 24, 24 माइनस 2 22, तो 5 वाला कर गया, है ना, ये चीज़ 5। सिक्स वाला सर देखो, 40 है, 40 है रखूँ मैं, 40 तो 40 टू जा 80, 80 प्लस 2 82, पहला वाला कर गया, तो मतलब सर ये 6 में आएगा, 6 वाला एल्केन है सर। कैसे? 40 40 दूना 80, 42 जा 80, 80 प्लस 2 82, 6 वाला हो गया। 7 देखो, 14 14 रखो यहाँ पे, 14 ये कर जाएगा, देखो आप 14 यहाँ पे है, देखिए मैम चल रहा है, 14 14 टू जा 28, है ना, तो मतलब सर ये 7 वाला इसमें हो जाएगा। 8 वाला देखो आप, 17 सर यहाँ रखो आप, 17 17 टू जा 34, 34 प्लस 2 36, सर ये नहीं कर रहा है, यहाँ देख लो आप, 17 17 टू जा 34, ये नहीं किया, मतलब सर वाला करेगा ही, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक तो करना ही है ना। तो 17 17 रखो आप यहाँ पर, 17 17 टू जा 34, 34 माइनस 2 32, 32 कर गया, तो ये हो जाएगा, 8 में आ गया सर, है ना। 9 चेक कर लो आप, सी 18 38, 18 रखो यहाँ पे आप, 18 प्लस 2 36, 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा, मैं गलत बोलते हैं, 18 यहाँ पे, 18 इंटू 2 36, 36 प्लस 2 कितना, 38 हो जाएगा सर। इसका मतलब कि 9 वाला हो जाएगा, है ना, आप लोग कर लिए होंगे, लेकिन मैं ऐसे बता दूँगा सर। 10th वाला सर, सी 12 सी 20 है, तो आप देखो सर, अगर मैं 20 रख दूँ, 20 एंड यहाँ पर रखूँ, तो 20 टू जा 40, क्यों 40 प्लस 2 42, तो सर यहाँ तो हो नहीं रहा। मैं यहाँ करूँ तो 20 ट्वेंटी टू जै 40, तो यहाँ पे सी 20 H 40 होना चाहिए, ये नहीं, इसका मतलब ये होने वाला है, क्योंकि सर यहाँ पे 20 रखा, 22 जै 40, 40 माइनस 2 38, क्यों सर? तो सर इसका मतलब कि सर 10th वाला ना, 10th वाला एल्काइन में था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेपरेट कर लिया, और हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी किया प्रैक्टिस के लिए, कि एल्केन एल्कीन एल्काइन को हम लोग इस तरीके से अपने फॉर्मूले के थ्रू पहचान सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई आपके, है ना सर? एक बात और लेके कहानी होती है, उसको मैं थोड़ा सा लेटर थोड़ा सा देर में बताऊंगा, है ना। चलिए, तो फिलहाल आज हमने क्या समझा? आज हमने समझा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब, एल्केन एल्कीन एल्काइन का मतलब, और एक अच्छी सी एक्सरसाइज जिससे कि आप थोड़ा सा समझ पाओ, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। सो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।